हम लोग ने क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट चैप्टर देखा, मतलब पढ़ा। आई होप आप लोग ने वो वीडियो को देख लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ MCQs जो कि हमारे बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, बेसिक इकोनॉमिक्स से है, जैसे कि मैंने पढ़ाया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, वही बेसिक इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ MCQs मैंने लिए हैं जो कि UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। MCQs तो सारे एग्जाम्स में पहले MCQs रहते, फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस रहते, तो ये मैंने जनरली ये सब UGC नेट के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विद, ठीक है, तो आपने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो वर्ड कहाँ से आया है? माइक्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड माइक्रो से, और मैक्रो वर्ड किससे आया है? मैक्रोज से, ये भी ग्रीक वर्ड है। देखिए माइक्रोज और मैक्रोज, तो अगर हम बात करें कि ग्रीक वर्ड माइक्रोज, MI माइक्रोज, ठीक है, माइक्रोज का मतलब क्या है? स्मॉल, ठीक है, और ग्रीक वर्ड मैक्रोज का मतलब क्या है? लार्ज, ठीक है। अब ये माइक्रो और मैक्रो को दो, मतलब ये दो पार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो पार्ट माइक्रोस एंड मैक्रोस में किसने डिवाइड किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीक वर्ड माइक्रोस एंड मैक्रोस में ये दो जो कैटेगरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो पार्ट में बांटे गए, एक है माइक्रो, सेकेंड इज मैक्रो, ये किसने डिवाइड किया? तो ये डिवाइड किया है रैगनर फ्रिश ने। ये किसने डिवाइड किया? रैगनर फ्रिश ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दो कैटेगरी माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किसने किया है? रैगनर फ्रिश ने किया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद, तो एक बात बता देते, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर से डील करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी डील करता है पूरा ग्रुप से, इसमें क्या है? एग्रीगेट है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, एग्रीगेट बोलते हैं इसको, और जो माइक्रो वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर से डील करता है, इंडिविजुअल से माइक्रो, मैक्रो डील करता है पूरा ग्रुप से, एग्रीगेट में डील करता है, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या हो गया? नेशनल आउटपुट हो गया। ये जो मैक्रो है ये डिवाइड करता है एग्रीगेट, इकट्ठा बहुत सारा चीज से। नेशनल इनकम मतलब किसी एक इंसान का इनकम तो नहीं, पूरी इकोनॉमी का इनकम। वैसे ही माइक्रो डील करता है एक पर्टिकुलर इंसान, इंडिविजुअल का इनकम, एक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, तो ये सब क्या है? माइक्रोज के अंदर आते हैं। मैक्रोज के अंदर क्या आते हैं? मतलब माइक्रोज और मैक्रोज के अंदर आते हैं क्या? आते हैं नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, GDP, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये सब आते हैं मैक्रो के अंदर। तो आपको दो चीज क्लियर हो गया, अगर माइक्रो के अंदर क्या आते हैं और मैक्रो के अंदर क्या आते हैं, एकदम क्लियर कर लीजिए। माइक्रो के अंदर आएगा इंडिविजुअल का डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये सब आता है माइक्रो के अंदर। मैक्रो के अंदर आता है नेशनल इनकम, आउटपुट, जो भी एग्रीगेट में है वो आता है मैक्रो के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विद, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? अभी मैंने बताया इंडिविजुअल से डील करता है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन में देखिए एक वर्ड मिल गया इंडिविजुअल, तो आंसर इज ए। कौन सा आंसर होगा इसका? ए आंसर होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, तो किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? मैंने तीन चीज आप लोग को पढ़ाया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तीन चीज पढ़ाया है। एक है वॉट टू प्रोड्यूस, याद करिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, देखिए यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom to produce, ठीक है। तो ये तीन चीज हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है।
सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है? हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे इकोनॉमी में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और रिसोर्सेस बहुत कम है, स्कार्सिटी है हम लोग की इकोनॉमी में। और तीन जो मेजर प्रॉब्लम्स थे वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, ठीक है, और हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करे, कौन से टेक्निक का यूज करे, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे तो इसमें हम ज़्यादा लेबर रखेंगे, कैपिटल कम रखेंगे। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे तो हम कैपिटल ज़्यादा रखेंगे और लेबर कम रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करें, ठीक है। तीन प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमी में, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी अबेंडेंस ऑफ रिसोर्स, ये तो गलत है। इकोनॉमी में अबेंडेंस मतलब ढेर सारा रिसोर्स है, ऐसा तो होता ही है। सेकेंड इज स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, सही बात है, सारे इकोनॉमी में क्या है, रिसोर्सेस का स्कार्सिटी है, मतलब कि रिसोर्सेस का कमी है, हिंदी में बोले संसाधन का कमी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, देखिए मैं यहां लिख देती हूँ, आंसर इज बी, ठीक है। अब हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी विच सेक्टर इज आर फाउंड, ठीक है। तो हम लोग ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी, ये सब चीज़ तो हम लोगों को पता होगा। तो अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी, तो एक अकेला मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जो कि दो चीज़ को अपने अंदर रखता है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आते हैं, पब्लिक सेक्टर भी इसमें आते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये दोनों को इंक्लूड कर लेता है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ओके। लास्ट क्वेश्चन है कि इन इकोनॉमिक थ्योरी द टर्म मीन्स, तो एक बात बता दे रहे हैं, इकोनॉमिक का सबसे बेसिक आप लोग ने पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको क्या लगा, बेसिक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो हम लोग पढ़ते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या पढ़ते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन तभी ना होगा जब हमारे आस पास होगा रिसोर्स, साधन होगा, तब तो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। फिर हम लोग डिमांड आएगा तो हम लोग प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे, अगर हमारे पास संसाधन ही नहीं, हमारे पास रिसोर्स ही नहीं, तो हम प्रोडक्शन कर सकते। इकोनॉमी का ग्रोथ किससे होता है, इकोनॉमी का ग्रोथ होता है रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, फिर हम लोग उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसको मार्केट में बेचेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारा इकोनॉमी में मूवमेंट होगा, इकोनॉमी चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन इकोनॉमिक थ्योरी द टर्म मीन्स मतलब क्या हो जा रहा है, रिसोर्स, संसाधन। इकोनॉमिक थ्योरी में मीन्स का मतलब क्या है, रिसोर्स, संसाधन। हम लोग ने 4 क्वेश्चंस किया है, अब हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ अ कमोडिटी, तो मैंने इक्विलिब्रियम बहुत बार बताया है, इक्विलिब्रियम देखिए सबसे पहले इसमें दो टर्म्स आपको याद रखना है, फर्स्ट इज डिमांड, सेकेंड इज सप्लाई। तो डिमांड के और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डिमांड एंड प्राइस के बीच होता है नेगेटिव रिलेशन, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो डिमांड का स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। सेकेंड मैंने एक चीज बताया था सप्लाई, सप्लाई और प्राइस के बीच कैसा रिलेशन है, सप्लाई और प्राइस के बीच कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि हायर द प्राइस लोअर द सप्लाई, सॉरी हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, ये सेम डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। सप्लाई और प्राइस क्या चलता है, सेम डायरेक्शन में चलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन। देखिए हायर प्राइस तो हायर सप्लाई, लोअर प्राइस तो लोअर सप्लाई, ये कैसा चलता है, सेम डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। तो इसका जो स्लोप बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। डिमांड का स्लोप कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई का स्लोप बना अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओपी प्राइस, OQ
क्वांटिटी डिटरमिन होगा। तो ये जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या है कि मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए डिमांड एंड सप्लाई एक पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई बोथ आर इक्वल, डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इक्वल होगा इस सिचुएशन को ही हम लोग बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आंसर इज ए, बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सिटेरियस पेरिबस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। आपको याद होगा मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट और शिफ्ट में हम लोग हमेशा पढ़ते थे अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अगर उसको नहीं लिखना तो आप लिखते थे सिटेरियस पेरिबस। तो सिटेरियस पेरिबस का मतलब बहुत सिंपल है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। यहाँ पे जो अदर थिंग है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर इज डी, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस, जो कि नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स है वो उसमें क्या आते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्स अगर हम बोला जाए तो हमें पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब क्या है? ऑल ऑफ द थ्री, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द थ्री, ये क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ओके, लास्ट है कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। तो अभी मैंने बताया कि कैपिटल इकोनॉमिक्स का क्या होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कभी भी अगर प्रोडक्शन करना है तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है? हमें सबसे पहले चाहिए जमीन, लैंड चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए? वहाँ पे काम करने के लिए हमें चाहिए लेबर। अब हम जमीन लेंगे, लेबर लेंगे, हम कैसे लेंगे? अगर हमारे पास पैसा होगा, पूंजी होगा, तब तो लेंगे। तो उसके बाद हमें चाहिए कैपिटल, कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल हमें मिल गया तो कैपिटल कौन लगा रहा है? एक इंसान कैपिटल लगा रहा है तो जो पूंजी लगाता है, जो पैसे लगाता है, उसको बोलते हैं रिस्क टेकर। तो रिस्क टेकर कौन है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? वो जो रिस्क लेता है वो है एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल इन इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आंसर इज। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस MCQs जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स से, बेसिक इंट्रोडक्शन वाले इकोनॉमिक्स से हम लोग ने किया। हम लोग बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और डिवाइड जो था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिवीजन था, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो बेसिक हम लोग का माइंड टेस्ट के लिए ये जो सीरीज था क्वेश्चन का, वो इम्पॉर्टेंट था हम लोग के माइंड टेस्ट के लिए। तो अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते, उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आप मॉर्निंग में मैं एक क्विज डालती हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो उसे भी देखा करिए, ठीक है। तो अब